शनिवार को मोहाली स्थित पंजाब सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने अर्थ प्रकाश से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार के कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान कोरोना से जंग में किए गए प्रयासों पर अर्थ प्रकाश से विशेष बातचीत की। इस बिंदु पर मंत्री सिद्धू ने बतलाते हुए कहा कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते इन 3-4 महीनों में पंजाब के युवाओं ने शराब के ठेकों की तरफ से रुख बदल नशा मुक्ति की तरफ रुख किया। सिद्धू ने आंकड़ों पर बात करते हुए कहा, प्रदेश के करीब 1.5 लाख युवाओं ने लॉकडाउन में नशा मुक्ति केंद्रों में पंजीकरण करवाया है। जरा सुने मंत्री सिद्धू की जुबानी। देखो कोविड का जो हूँ असर तो है, लेकिन जो बंदे ज्यों ज्यों बाहरों आए हैं त्यों त्यों कोविड का एक बार मार्का वधदा बंदा बस जो जो हूँ जो बरसात के दिनों में ना कोई बीमारी फैलती जाए जो पैर लग के वो लग के हो सकता है, लेकिन जो आम तरह के बीमारी है ना उन्होंने होंगे की है कि हम गर्मी घट जूगी सारी कैटागरी जिन्हें डॉक्टर भी डिटेल जो डिटेल आते मैं लगवा जाए नहीं वो जो कोई डॉक्टर हो गए पैरा मेडिकल स्टाफ हो गया स्टाफ नर्स हो गए जो साढ़े एक असी 3000 बंदा जोड़े सैनिटरी जोड़े वो वर्कर भी भर्ती कर रहे हैं 3000 गार्ड भी भर्ती कर रहे हैं 3-4 हज़ार हाँ सिक्योरिटी गार्ड पर आउटसोर्स से हो गए सारे 4-7 हज़ार बंदा आउटसोर्स से होगा नहीं सिद्धा डिपार्टमेंट ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।